कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई है। ये चादर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे ने अजमेर पहुंचकर गरीब नवाज की दरगाह में पेश की। इस दौरान देश में अमन चैन और तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई। इसके बाद सोनिया गांधी की चादर पेश कर उनका संदेश सभी के सामने पढ़ा गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर पहुंचने पर हेलीपैड पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष जी हो चाहे वो हमारे अन्य नेता हो बीजेपी के, आरोप लगाने की इनकी मजबूरी है। देखिए, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं स्पष्ट रूप से, दिल्ली में क्या हो रहा, देश में क्या हो रहा, पूरा देश चिंतित है, अविश्वास का माहौल है, संविधान की मूल भावना की धज्जा उड़ रही है और इसलिए पूरे मुल्क के अंदर दिल्ली सहित धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, 3 महीने से हो रहे हैं। तो जब हम आलोचना करते हैं दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की, तो दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं का दबाव है राजस्थान के बीजेपी नेताओं पर, उनको मजबूरी में ऐसे सख्त काम लेने पड़ते हैं और इसी प्रकार जो आलोचना करते हैं, हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, हम अपना काम करते हैं। हमें जो आम आवाम ने, जनता ने सौंपी जिम्मेवारी सरकार बना के चलाने की, उस पर हम लगे हुए हैं। कैसे सुशासन दें, कैसे हम लोग जनता तक जो सरकारी स्कीम बनती है वो पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ। अभी असम नहीं चलती तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं। उनके बारे कहने कुछ है नहीं, इसलिए वो जरूर बातें करते रहते।